अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ड्राइव डिया न्यूज़। और आज की जो हमारे पास खबर है, बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अली साहब एक्सप्लोर करे डिजिटल कॉइन। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि क्रिप्टो का ये कहा जा रहा है कि इट्स द नेक्स्ट फ्यूचर यार। और बड़ा इसका एक मेजर एविडेंस ये है कि वकार ज़का, जो कि बड़ी मेहनत से, बड़ी उसने लगन से, क्या कहते हैं, देर से लगा हुआ था, देर से उसने कहा मैंने बस खोल देना माइनिंग, मैं शुरू कर रहा हूँ बस, ठीक है। और उसने करके दिखाया भी बिल्कुल। और स्टेट बैंक का जो गवर्नर है, ठीक है, उसका एक लेटेस्ट मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था बस CNN, उसने ये कहा है कि यार हम लोग इन्वाइट करें जितने भी आपके फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, और वो पाकिस्तान में आएँ, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी, और यहाँ पे अगर आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो यहाँ पे आपकी इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन जो है बहुत, ये तो बहुत बढ़ेगी, बहुत बड़ा स्टेप है, ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब इनोवेशन के तौर पे स्टेप देखा जाए तो बहुत बड़ा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड जो दूसरी न्यूज़ है हमारी, दूसरी न्यूज़ की कसम से मतलब दो साल पहले क्या कहते हैं, सेनेटर के आगे मार्क ज़करबर्ग साहब बैठे, वो डेटा लीक हो गया, उन्होंने कहा यार थोड़ी सी गलती होगी, थोड़े से मेल फंक्शंस हो गए, ये इतना बड़ा डेटा नहीं है, तो नहीं इतना है। बड़ा डैमेज नहीं है, तो किताब साइड पे करो, आगे चलो, आगे चलो। दो साल गुजर गए हैं, मार्क ज़करबर्ग को फिर पकड़ा गया और फिर उसको कहा गया कि तुम्हारा 500 मिलियन का जो डेटा था, मिलियन प्लस डेटा जो लीक हुआ है, हाँ, लीक हो गया, किधर डेटा गया, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है, मार्क ज़करबर्ग को बुला रहे, बुला लिया। और इस दफा जो है ना, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूरोप में, वो उसने एक नोटिस लिया और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मैटर पे, और कहा ये जा रहा है कि इफ मार्क ज़करबर्ग एंड द कंपनी इज फाउंड गिल्टी तो उसको फाइन चार्ज होगा 4%। गेस व्हाट्स द टोटल रेवेन्यू, 86 बिलियन, दैट्स ह्यूज यार, 4% है ना, ऐसा कोई टीका लगेगा ना, ये तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मैं वैसे भी लग रहा है तो 4% क्या हो सकता है, बट 4% बहुत ह्यूज है, रेवेन्यू का तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, बट लेट्स सी यार, हम काफी, हम तो देख रहे हैं कि हर जगह बिल्कुल, और फेसबुक हर दूसरा बंदा यूज कर रहा है, मतलब रिक्शे वालों के भी डेटा जा रहा है, और पता नहीं बस अब कुछ नहीं कह सकते, वी डोंट नो वेयर द फ्यूचर, मतलब पता लगे अंग्रेज वहां कहीं बाहर बैठा हो, हमारा यहां का मजदूर की तस्वीर पहुंची बैठी, वो भी कह रहा है हु इज दिस, हु इज दिस, तो ये है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड बिल्कुल होपफुली व्हाट इज देयर टू कम। एंड इस हफ्ते की न्यूज़ थी हमारी, है अल्लाह हाफिज़।